हेलो गाइस, हम बोलता है जो ये हमारा छोटा ब्लॉग होता है, सो आप देख सकता है हम है बिहार में जो हाँ भी हम राज बस के अंदर उतने बल बल बला है। सो राज बस में उठ के हम जाता है जो सिलीगुड़ी, और ये बस के अंदर घुसते घुसते हमको बहुत ठंडा लग जाता है। सो कितना ठंडा होता है अंदर और बाहर कितना गर्मी होता है। सो हम सब को छोड़ के हम पीछे चला जाता है। ये बस भी कितना अच्छा होता है, देखिए लग्जरी बस होता है। सो आप लोग भी अगर ये बस में उठता है तो हमको कमेंट में बता है। सो देख सकता है ये मेरा दीदी हाय, मेरा मुझे हाय बोल रहा है, और ए सर मैंने गलती किया, दूसरा का पर्दा उठाया, देख सकता है वो चारों तरफ देखिए सब अंदर घुसा होता है। मेरा भांजी मोबाइल देखता है। सो अंदर देख सकता है ये एसी का लाइट होता है, यहाँ से एसी निकालता है, और ये लाइट होता है टचिंग वाला लाइट होता है। सो हमने टचिंग करता है लेकिन लाइट जलता नहीं होता है, क्योंकि ये शायद ख़राब होता है या बोलना पड़ता है। और ये चार्जिंग पॉइंट होता है जो मोबाइल चार्ज करने के लिए होता है, चार्जिंग कर सकता है। यहाँ पर सोने के लिए अच्छा सा कुछ देता है, यहाँ पर जूता रख सकता है, या पीने का पानी भी रख सकता है, और ये सीढ़ी से ऊपर उठ सकता है, और ये नीचे भी देख सकता है कितना अच्छा बेड होता है। इधर जूता रखता है, पानी का बोतल रखता है, यहाँ पर एसी का लाइट होता है, ये एसी हवा निकालता है, ये लाइट होता है, यहाँ पर चार्जिंग होता है, यहाँ पर मोबाइल रखने के लिए जगह भी होता है। सो हम कुछ बोलता नहीं होता है। सो हमारा देख सकता है सब कोई कैसे देख रहा होता है। सो हम पर्दा को भी लगा देता है, देख सकते हैं आप लोग अंदर क्या करता है किसी को पता नहीं होता है। सो 8:30 बज जाता है। सो हम लोग को गाड़ी छोड़ देता है जो मजकपुर से, फिर हम लोग चलता है चलते चलते हम लोग बहुत दूर पहुंच जाता है। सो हम बाय बाय भी बोलता है जो मुजफ्फरपुर में हम लोग कितना दिन रहता है। सो आप लोग मुजफ्फरपुर आप लोग बस में आता है, उसके बाद हम लोग को 20 सड़क में उतार देता है, जो कितना रात का 12:30 बजे। सो वहाँ पर हम लोग डिनर करता है एक ढाबा में, आप लोग भी यहाँ पर ढाबा में खा सकता है। यहाँ पर देख सकता है सारा राज बस यहाँ पर लाइन बाई लाइन रुका हुआ होता है, फिर खाना वाना ख़त्म करता है, फिर हम लोग पहुँच जाता है इसका अंदर। देख सकता है सब लोग कोई सोता है, ये देखिए हम लोग उतर जाता है यहाँ से, एक बास दो बास बहुत सारे बास होता है, हम तो चमक जाता है इतना बास होता है। फिर आप लोग यहाँ पर खाना खा सकता है, यहाँ पर चाय भी पी सकता है, आप लोग का मर्जी क्या कर सकता है। एक बास निकल जाता है, फिर हम लोग का बास भी निकल जाता है। सो देख सकता है, सो आप लोग अगर ये बास में आता है, सो आप लोगों का टिकट एसी बास में लगता है 800 रुपया, सो और नॉन एसी में आता है तो 600-700 में हो जाता है। सो ये एसी बस होता है, लग्जरी बस होता है, इसमें आप आराम से आके रह सकते हैं। अभी 4 बजने वाला है, वो थोड़ा देर बाद सुबह होने वाला है। सो हम लोग फाइनली सिलीगुड़ी पहुंचने वाला है। सो गुड मॉर्निंग सबको, अभी सुबह 5:30 बज गया। सो अभी हम लोग सिलीगुड़ी में पहुँचने वाले हैं। अभी हम हैं जो माटीगारा का पास में, तो सिलीगुड़ी हम लोग का इतना जल्दी पहुंचा देगा हमको पता ही नहीं चला था, और रात में सो के आया लेकिन पता भी नहीं चला। तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने जाना है।